बसमिल अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी लाइव यूट्यूब माई यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब जी बेला भी तैयार हो रही है नहा लिया बेला बैला ने और अभी इसको ड्राई कर रहे थे हम लोग क्योंकि रात है और इसको हमने नहलाया अब सुबह हमने गाँव जाना है शादी के लिए निकलना था हमने तो हमने कहा कि इसे भी हम साफ सुथरा कर दें नहला दें फिर न्यू बैल भी लगाई तो जी सुबह तकरीबन हम पाँच बजे निकले थे घर से गाँव जाने के लिए तो अभी ये सुबह पाँच बजे का टाइम है और अभी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं क्योंकि हमने पैकिंग वगैरह कर ली थी तो जी अभी ये दिन निकल आया है और हम ये सराय आलमगीर से गुज़र के अभी मंडी भावल तीन की तरफ जा रहे हैं तो जी सुबह हो चुकी है और तकरीबन हम नौ साढ़े नौ दस बजे के, के करीब हम घर पहुंच चुके थे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब था तो जी यहाँ हम पहुँचे हैं और दुल्हन का जहेज का सामान इन्होंने सजाया हुआ था गांव में आपको पता है इस तरह से सजाते हैं लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि गांव में किस तरह से जो है ये दुल्हन का सामान जो है वो सजाते हैं तो यहाँ पे जी इन्होंने सारे दुल्हन के कपड़े मेकअप जूते वगैरह सब कुछ रखा हुआ था ये ये फर्नीचर है उसका आपको दिखा रहे हैं ड्रेसिंग टेबल है शोकेस है पीछे इसके ये सोफ़ा वगैरह हैं गांव में इस टाइप का ही फर्नीचर चलता है और ये चारपाइयाँ बिस्तर दुल्हन के सारे क्योंकि आज उसके ससुराल वाले सामान उठाने आएंगे तो सामान उठवाने से पहले जो है ये सारा सेट करके लगाते हैं ताकि गांव में जो पड़ोसी हैं वो लोग आते हैं देखने के लिए कि क्या क्या जहेज़ में दिया है। तो ये सारे दुल्हन की पेटियाँ बर्तन सब कुछ ये आपके सामने है जो कि आप देख रहे हैं गांव में इसी तरह से शादियां होती हैं सारा जहेज दिखाया जाता है तो जी ये सामने बेड पड़ा हुआ है बेड पे भी कंबल वगैरह बेड शीट्स वगैरह रखी हुई है सहाने तकिए और ये वॉशिंग मशीन है ड्रायर मशीन है वॉशिंग मशीन है सुपर एशिया की तो सब मिलजुल कर जहेज़ की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल के साइड टेबल्स हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये भी तो ये कंबल है बेडशीट है और साथ ये ये जी अलमारी अलमारी है ये इसकी ये जो है अलग अलग थे दोनों खाने और फिर इनको साथ जोड़ के रखो तो एक ही बन जाती है इसके अलावा ये ब्राइडल के स्टिच कपड़े हैं और ये आगे जी दुल्हा मियाँ का वलीमे का पैंट कोट टंगा हुआ है ये दूल्हे की चीज़ें हैं सारी दूल्हे के कपड़े और जो उसका शेविंग वगैरह का सामान होता है परफ्यूम्स वगैरह जो कि चीज़ें भी होती हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे उसका शूज़ तो ये सब जी दूल्हा की चीज़ें हैं तो ये इसका पैंट कोट है ये मैरूनिश कलर में था प्यारा लग रहा था ये भी अच्छा लग रहा था ये भी और ये बाकी ये दुल्हन की चीज़ें हैं डेकोरेशन की लिए भी तो जी ये सारा सामान है दुल्हन का और ये हायर वालों की फ्रिज दी थी इन्होंने दुल्हन को इसके अलावा ये वाटर कूलर एयर कूलर है रूम कूलर जो होता है रूम एयर कूलर ये था तकरीबन तो हर चीज़ दी गई थी जहेज में चूल्हा वगैरह और सुई से लेके वो कहते हैं ना पूरा जहेज देना होता है पूरा घर एक किस्म का देना होता है दुल्हन को तो पंजाब की रस्म है जी ये दुल्हन के ससुराल वाले आए थे सामान उठाने और साथ वो मेहंदी की चीज़ें दे गई थी मेहंदी के कपड़े दुल्हन की चूड़ियाँ और मेहंदी इसके अलावा जूते वगैरह और उसके साथ मिठाई तो आपको ये भी दिखाते हैं कि क्या क्या था यहाँ आप देखें सारी चीज़ें तो ये रात को मेहंदी है और वो मेहंदी में जो है ये कपड़े वग़ैरह जो हैं ये पहनेंगी तो ये सारी चीज़ें मेहंदी की ये मिठाई गांव की शादियों का भी अपना एक मज़ा होता है रौनक होती है उनके रस्म और रवाज होते हैं डिफरेंट से तो जी ये सारी मेहंदी की तैयारी थी मेहंदी की चीज़ें थी और जहेज का सामान था आपको उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो अभी रात को हमने ढोलकी भी रखनी है तो आगे आपको ढोलक भी दिखाएंगे